हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट व्हाई यू शुड नेवर बी अ साई एंड इंट्रोवर्ट। ट्रस्ट में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें मैं अपना लाइफ स्टोरी शेयर करूंगी। सो आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। सो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज में होते हैं तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है ना कि हम लोग डायरेक्ट स्कूल से कॉलेज आते हैं एंड इस कारण से हमारे में बहुत सारी ऐसी हैबिट होती है जो कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी ड्यू टू सोसाइटी वो हैबिट हमारे एक तरह से नेचर में आ जाती है जो कि करेक्ट नहीं है। आपको उसे चेंज करना है एंड आप कैसे चेंज करोगे ये सब कुछ मैं आज के वीडियो में बताऊंगी। सो आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं एक बताना चाहती हूँ कि हम लोग जब कॉलेज में आते हैं तो हम लोग बहुत साई होते हैं। साई होने का रीजन ये होता है कि अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तो स्कूल में आप देखोगे तो गर्ल्स एंड बॉयज का ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप कॉलेज में हो एंड अगर आप किसी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो एंड अगर आप वही स्कूल वाला नेचर रखोगे तो आप जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। ये बात मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए इंजीनियरिंग डोमेन में इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग में अगर आप देखो तो 99% बॉयज होते हैं, 1% गर्ल्स होती है। तो आप 1% का इन्वायरमेंट में रह करके खुद को बेस्ट नहीं बना सकते। अगर आपको एक बेस्ट इन्वायरमेंट चाहिए तो आपको अपने सराउंडिंग में बॉयज को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर पाओगे। तो मैं अपने कॉलेज में क्या देखती थी कि मैं जब आई थी कॉलेज में तो मेरी मम्मी बोली थी कि कभी भी किसी भी डोमेन में आपको हेल्प लेना है तो कभी भी हेजिटेट नहीं हो, हेल्प लेने में कभी भी खुद को हेजिटेट मत करो एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए मैं कॉलेज में आई थी तो जब भी मुझे किसी भी पर्सन से, आइदर वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, मुझे कुछ भी हेल्प लेना होता था तो मैं विदाउट एनी हेजिटेशन मैं हेल्प के लिए मैं पूछ लेती थी, मैं बात कर लेती थी। इससे क्या हुआ था कि कॉलेज में एक अजीब सा मेरे प्रति परसेप्शन लोगों का बन गया था कि ये कैसी लड़की है, कैसे इतना फ्रेंकली किसी से भी बात कर लेती है। बट ये सही था, उस समय लोगों को लगता था कि बहुत अजीब नेचर है, लेकिन एट द एंड मेरा यही नेचर ना मुझे सक्सेसफुल बनाया। अब इसका मैं स्टोरी बताना चाहती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तो एक क्लब थी SSTC, उस क्लब में मेरे टाइम में ओनली मेल मेंबर्स थे, उसमें जितने मेंबर्स थे सारे मेन थे, कोई भी वुमेन्स नहीं थी उसमें। तो इसमें क्या हुआ था कि मेरे एक सीनियर थे लोकपति सर, तो बहुत सारी गर्ल्स ना बहुत हेजिटेट करती थी कि कैसे मैं डायरेक्टली उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूं या कैसे बात करूं। लेकिन मैं डायरेक्ट उनसे मैसेज की एंड बोली कि सर मुझे अभी IT सेक्टर में जाना है तो आप मुझे गाइड कर दो। एंड उस टाइम पे YouTube पे इतना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थी जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, 2017 का मैं बात बता रही हूँ। तो मैं उनसे बात करी, वो बहुत अच्छे से मुझे सब कुछ समझा दिए। उस टाइम बताया था कि CP करो, DSA करो, मैं वो मेरे को जो जो चीज रिकमेंड की है लाइफ में ना मैं सब कुछ को फॉलो करी थी एंड इसी कारण से मैं अभी इतना कुछ अचीव कर पाई हूँ। अगर मैं फर्स्ट ईयर में सरवा करके बात नहीं करती, मुझे मेरी में हेजिटेशन होता कि नहीं 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 मैं कैसे बात कर लूँ, मैं कैसे डायरेक्ट किसी को व्हाट्सएप में मैसेज कर दूँ, अभी बहुत नॉर्मल लगता होगा आपको। लेकिन उस टाइम में जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, किसी मेन को आपको मैसेज करना हो ना व्हाट्सएप, एक बहुत बड़ी डील होती थी, गर्ल्स के बीच में एक बहुत बड़ी डील होती थी। बहुत लड़कियां हेजिटेट करती है डायरेक्टली किसी लड़के को व्हाट्सएप पे मैसेज करने से, मतलब बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता है उन्हें। मैं पर्सनली देखी हूँ अपने फ्रेंड्स लोगों को, प्लस मोस्ट फ्रीक्वेंटली मैसेज करने पे भी हेजिटेशन होता है। एक हेजिटेशन तो ये होता है कि अगर आप किसी भी पर्सन से मोस्ट फ्रीक्वेंटली बात करना स्टार्ट करो तो कॉलिंग में कोई भी आपके प्रति निगेटिव न्यूज लोग फैलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम होती है, ये सोसाइटी के प्रॉब्लम है, इसे भी आपको इग्नोर करना है। तो बेसिकली जिस दिन आप सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आप बर्बाद हो जाओगे, मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ। तो कभी भी आपका अगर नेचर साई नेचर है तो प्लीज इसको चेंज कर लो, जितना जल्दी हो इसको चेंज कर लो। अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे तो आपको आने वाले टाइम में लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी। जस्ट एन एग्जांपल मैं दे रही हूँ, कोई भी कंपनी का CEO साई हो सकता है। बताओ अगर मैं बोलूंगी सुंदर पिचाई गूगल का CEO साई है, आप मानोगे नहीं मानोगे। कोई भी सक्सेसफुल पीपल को देख लो, कोई भी साई नहीं होता है। अगर आप ऐसे हो तो दैट मीन्स कि आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप इसको चेंज करो। एंड जब आपको इसको चेंज करोगे ना तो बहुत लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे कि यार तू कैसे बात कर लेती है, ऐसे मेरे को बोलता यार तू कैसे बात कर लेती है यार। और लड़के लोग ऐसे बोलते थे, ये पता है इसी में एक लड़की आई है, वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती किसी से
बात करने में, वो डायरेक्ट बात कर लेती है। कुछ लड़के लोग ये भी सोचने लगेंगे कि अच्छा हाँ वो बहुत बात कर लेती है तो चलो इस पर ट्राई किया जाए, मे भी पट जाए। मतलब ये सब नेचर होता है, ये सब कुछ मैं देख रही थी, मैं ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन एट द एंड मुझे क्या करना था, मुझे अपने काम से मतलब था। मुझे अपने कॉलेज में किसी भी पर्सन से कभी भी कोई काम की जरूरत पड़ती थी, मैं एक बार भी हेजिटेट नहीं होती थी, डायरेक्ट उनसे मैं बात कर लेती थी। एंड बात करने पे वो आपको हेल्प कर देंगे, भले वो आपका हेल्प करेंगे, इससे क्या हुआ कि जिस जो लड़का ना आपको हेल्प करेगा ना, उसके फ्रेंड्स लोग उसको चिढ़ाना स्टार्ट कर देंगे आपके नाम लेकर के। बाद में कुछ टाइम के बाद मे भी आपको हेल्प करना वो बंद कर दे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको हेल्प मिल जाता है, एक एज मिल जाता है आपको। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप साई हो तो इसको, इस नेचर को चेंज कर दो। जब इस नेचर को आप चेंज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत सारा मतलब लोगों का बातें सुनना पड़ेगा, लेकिन ये सही है, अगर अभी इस टाइम पे अगर वो बातें सुन लोगे तो इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। सो आप खुद सोचो, अगर आपको आपका ऐसा नेचर है, आपका नेचर है कि आप गर्ल्स से डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हो, कि आप किसी कंपनी के मैनेजर बनोगे, तो अगर आपका ऐसा नेचर रहेगा तो कैसे सर्वाइव कर पाओगे बताओ। किसी भी आप मान लेते प्रोडक्ट मैनेजर बन जाते हो, तो आपके पास कुछ काम होता है, आप कोई भी मेल इम्प्लॉय को तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लोगे, लेकिन किसी फीमेल इम्प्लॉय, अगर आप मेल हो तो अगर आपको किसी फीमेल इम्प्लॉय से कॉन्टेक्ट करने में हेजिटेशन होगी तो कैसे सर्वाइव करोगे। इसी कारण से आपका मे भी आपका प्रमोशन रुक सकता है, क्योंकि आप सारे इम्प्लॉय को सही से साथ लेकर नहीं चल पा रहे हो। तो मैं एट द एंड ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई भी आप सीनियर पोजिशन में जाते हो तो जस्ट आपका टेक्निकल नॉलेज मैटर नहीं करता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका बिहेवियर सब कुछ मैटर करता है। मतलब कॉलेज तक तो बस आपका टेक्निकल स्किल मैटर करके आपको HWE-1 मिल जाता है, HDE-1 मिल जाता है, लेकिन HDE-1 के बाद का जो प्रमोशन होती है उसमें आपकी बहुत कुछ जज किया जाता है, बहुत सारा नेचर आपका जज किया जाता है। नो मैटर आप टेक्निकली बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, आपको सबको साथ लेके चलना नहीं आता है, तो आपको नहीं मिलेगी आगे की पोजिशन। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये सब नेचर ना अपने कॉलेज में ही आप चेंज कर लो, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है। सो इस एडवाइस को प्लीज आप इसको अच्छे से लेना, एंड स्पेशली अगर आप लड़की हो, आप गर्ल्स हो, तो इसको आप सही में इसको अप्लाई करो, क्योंकि अगर आप कोई, अगर कोई बॉयज है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उसके पास 99 सीनियर है हेल्प लेने के लिए, लेकिन अगर आप गर्ल हो ना तो आपके पास 10 सीनियर ही होगी ओनली हेल्प लेने के लिए। एंड प्रोबेबिलिटी बनता है कि 99 सीनियर में ना आपको बेस्ट कोटर मिलेंगे एज कम्पेयर टू 10 सीनियर में। बहुत सारे कॉलेज में बेस्ट कोटर 10 सीनियर भी होते हैं, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि 10 सीनियर का कोडिंग अच्छा नहीं होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी, आप लोग सर 12th करके आए हो यार, मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है, आप समझो कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पे अच्छी होगी, 99% में प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी या कोई 10% उसमें प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी? ऑफकोर्स 99 में प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि इस नेचर को बिल्कुल चेंज कर लो। दूसरा बात होती है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट भी आपको नहीं रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ एक्सट्रोवर्ट बनो, एक्सट्रोवर्ट भी नहीं बनना है, लेकिन जब भी आपको लाइफ में किसी से भी कुछ भी काम करवाना हो या किसी को भी, किसी से कुछ भी हेल्प लेना हो, तो आप हेजिटेट बिल्कुल मत करो उससे हेल्प लेने में। एंड कभी भी दिमाग में ये मत लाओ कि यार बात करेंगे तो क्या होगा, सोसाइटी क्या सोचेगा, मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा, ये सब बिल्कुल माइंड में मत रखो। जिस दिन ये सब माइंड में रखोगे आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, ट्रस्ट मी। तो चलो ये तो बात रही कि आपको इंट्रोवर्ट एंड साई बिल्कुल भी नहीं बनना है। आपको कॉलेज में, अगर आप कॉलेज से ऐसे हो तो आपको ये नेचर आपको चेंज करना ही पड़ेगा, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे। एज ए इंट्रोवर्ट आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सट्रोवर्ट बनो। एक्सट्रोवर्ट के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि आप एक्सट्रोवर्ट पर्सन से कोई बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार इससे बात करना स्टार्ट करेंगे तो एक घंटा पर बात कर देगी या कर देगा। तो एक्सट्रोवर्ट भी नहीं बनना है, लेकिन आपको ना इंट्रोवर्ट बनना है, आपको ऐसा बनना है कि जब भी आपको किसी भी पर्सन से बात करना हो तो आपके माइंड में हेजिटेशन नहीं आनी चाहिए, आपको ऐसा बनना है। चलो ये दो पॉइंट तो मैं कवर कर ली हूँ। अभी मैं ना एक और अपना स्टोरी सुनाती हूँ। सो बेसिकली मैं जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी तो हमारा एक जिम था कॉलेज में, लेकिन उस जिम में गर्ल्स के लिए कोई टाइमिंग नहीं थी, एंड बॉयज को जिम में जाना, बॉयज के जब टाइमिंग होता है उस टाइम में गर्ल्स को जाना अलाउड नहीं था। तो मैं जाकर के ना अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से बात करी कि ऐसा ऐसा बात है, मतलब मुझे भी जिम जाना, हमें टाइम दो। तो बेसिकली वो मेरे को ऐसे बोले कि यार तुम तो खुद स्लिम हो, तुम्हें क्यों जिम जाना है। बट एक माइंडसेट बना हुआ है कि
टीचर्स, यहाँ तक कि वो बहुत अच्छी पढ़े लिखे टीचर्स थे, उसके मन में एक माइंडसेट बना हुआ था कि अगर कोई लड़की अगर जिम आती है तो बस स्लिम बनने के लिए जिम आता होता है, लेकिन जिम बस स्लिम बनने के लिए नहीं जाया जाता है, जिम जाया जाता है स्ट्रांग बनने के लिए। तो यही बात मैं उनको समझाई एंड बाद में मुझे टाइमिंग नहीं मिला। बाद में क्या करी, मैं बहुत सारी लड़कियां से एप्लीकेशन लिखा के उसे साइन करवाने गई थी। तो जब भी मैं किसी रूम पे साइन कराने जाती थी तो सब ये बोलती थी कि क्यों ही जिम जाना, मतलब जिम एक माइंडसेट बना हुआ है गर्ल्स में कि अगर आप स्लिम हो दैट मीन्स कि आपको जिम जाना नहीं है, लेकिन जिम जाना तब होता है जब आपको स्ट्रांग बनना होता है। तो इसलिए मैं बहुत लोगों से करवाई, इस पर भी एक न्यूज बन गया कि ये देखो फर्स्ट ईयर में एक लड़की आई है पूरा कॉलेज का टाइमिंग चेंज करने वाली है। बॉयज लोग बहुत ही ज्यादा मेरे पे वो हो गए थे, एक तरह से एंग्री हो गए थे कि एक आवर टाइम हमारा कम हो जाएगा जिम में क्योंकि वो एक आवर गर्ल्स को मिल जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि बॉयज को वो एक आवर टाइम मिल रहा था तो उसमें बहुत सारे बॉयज आते हैं, लेकिन गर्ल्स को वो एक आवर टाइम मिलेगा तो उसमें कम गर्ल्स आएगी क्योंकि ऑफकोर्स कॉलेज में कम गर्ल्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कम गर्ल्स आएगी। तो वो लोग भी बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे पे नाराज हो गए थे कि क्यों हमारा एक टाइमिंग एक्स्ट्रा मिल गया। एंड मैं जब मैं मतलब कभी भी आप सोसाइटी का सोचोगे ना या लोगों को खुश करने के चक्कर में रह जाओगे तो अपना कभी भी आप सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं सब कुछ मैं पूरा हायर अथॉरिटी से बात करी एंड जा करके मैं गर्ल्स के लिए 1 आवर टाइमली सुबह में, वो भी हमें टाइम मिला सबसे फर्स्ट शिफ्ट जिस समय सबसे कम बॉयज आते हैं, मतलब एक जो टाइम होती है ना 5 बजे से नहीं 6 बजे से 7 बजे वाली टाइम जो होती है उसमें बहुत कम बॉयज आते हैं, इसलिए वो शिफ्ट मिला। मतलब शाम वाली शिफ्ट नहीं मिली जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है किसी भी पर्सन को जिम जाने के लिए, या 7 से 8 वाली शिफ्ट भी हमें नहीं मिली। तो चलो ठीक है नहीं मिली अच्छी बात है, लेकिन एक शिफ्ट तो मिली। हमारा कॉलेज 40 ईयर और 30 ईयर ओल्ड कॉलेज है, इस 30 ईयर के हिस्ट्री में किसी ने इतना गट्स नहीं था कि गर्ल्स के लिए एक टाइमिंग बनाए। मैं बात करी एंड एट द एंड हमारे कॉलेज में जो 30 ईयर का जो ट्रेंड चला आ रहा था वो ब्रेक हुआ एंड गर्ल्स के लिए 1 आवर टाइमिंग मिली जिम में। आई डोंट नो मे बी इस ईयर से फिर से हटा दे क्योंकि अभी फिर से कोविड आ गया था तो कॉलेज बंद हो गई थी। मैं अपने फिर जूनियर को बोलूंगी कि अगर हटा रहा है तो आप टाइमिंग फिर से लो वहां पे, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि एक आवर बॉयज की टाइमिंग से कम हो जाते हैं तो वो लोग स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं टाइम एक आवर गर्ल्स को नहीं मिलना चाहिए। भाई हमें एक आवर सेपरेट टाइम नहीं, या तो आप बॉयज के साथ हमें जिम करना अलाउ करो, वो भी वो लोग नहीं करेंगे, बहुत स्टीरियोटाइपिकल उनका माइंड है, बॉयज को गर्ल्स के साथ जिम करना अलाउ नहीं करेंगे, तो एक्स्ट्रा हमें टाइम दो, लेकिन टाइम भी नहीं देने वाले थे। मैं बहुत ही ज्यादा बात करके हायर अथॉरिटी से बात करके मैं ये टाइमिंग लेती एंड इसके बाद बहुत लोग ना मुझे ये बोलने लगे थे यार गर्ल्स है ये अब डंबल बनाएगी अपना बाइसेप बनाएगी ये सब करेगी, मतलब मैंने बहुत ही खराब तरीके से मेरा मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिए थे। कितने लोग बोले जाए वो लड़की थोड़ी ना वो लड़का है, ऐसे ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिए थे मेरे बारे में। लेकिन एट द एंड मुझे क्या मैटर करता है, मेरा मेन एम ये था कि मुझे जिम जाना है, कॉलेज मेरा रिमोट एरिया में है, मैं कोई प्राइवेट जिम जा ही नहीं सकती हूँ, तो मुझे कॉलेज का टाइमिंग चेंज करना है एंड मैं ये 30-40 ईयर से जो ट्रेंड चला आ रहा था उसको मैं ब्रेक करी थी। तो यही बात होती है कि अगर आपको कुछ लाइफ में अच्छा करना है ना तो अपने हर एक स्टेप पे अपना मतलब आपका क्या इच्छा कर रहा है आप अपने खुद का सुनो, किसी भी थर्ड पर्सन का नहीं सुनो, ये मैं बताना चाह रही हूँ। अब ये देखो मैं ये जो मेरा एटीट्यूड था ना मैं बस यही चीज में नहीं था, मैं 30 ईयर का जो ये ट्रेंड था उसको ब्रेक करी थी, उसके बाद मैं जब कॉलेज में पास आउट करी तो जो 30-40 ईयर का जो हाइएस्ट प्लेसमेंट का रिकॉर्ड था उसको मैं ब्रेक करी। तो यही बात है कि आप जिस दिन अपना खुद का सुनना स्टार्ट कर दोगे ना, खुद के लिए खुद को खुश करना स्टार्ट कर दोगे तो लाइफ में कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब कभी आप अनहैप्पी रहोगे या अभी आप दुखी रहोगे, क्योंकि जब खुद को आप खुश करना स्टार्ट कर दिए दैट मीन्स कि आप परफेक्ट हो। मतलब लोगों के मन में क्या होता है ना कि उन्हें सोसाइटी के सामने अच्छा बनना होता है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ ना कि अगर खुद को अच्छा करना स्टार्ट कर दोगे ना तो एक टाइम पे भले सोसाइटी आपको बहुत ही ज्यादा अपोज करेगी लेकिन बाद में आपका ना बातें चलेंगे कि हाँ वो एक सीनियर थी जो जिम का टाइम चेंज करवाई थी, अभी भी कॉलेज में मेरा बातें चलते होंगे कि हाँ ये जिम का टाइम गर्ल्स के लिए कब मिला था, क्यों मिला था, क्योंकि एक सीनियर ना पूरा एप्लीकेशन लिख करके पूरे कॉलेज की लड़कियों का साइन करवाई थी एंड तब जाकर के परमिशन ली थी। तो यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि हमेशा दिमाग में ये बात रखना कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो हमेशा खुद की सोचो, कभी भी ये मत सोचो कि सोसाइटी क्या करेगा, क्या सोसाइटी में क्या होगा। मैं स्पेशली बिहार के स्टूडेंट में क्या देखती हूँ कि वो सोसाइटी को खुश करने के लिए, पेरेंट्स को खुश करने के लिए गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं एंड फिर जाकर के 3-4 साल अपना तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं उसमें। मैं अगर आपको बोलूंगी कि आपको खुद क्या लगता है, आप क्या प्राइवेट जॉब में अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, आपको क्या लगता है कि आपके लिए प्राइवेट जॉब अच्छा है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आपको जो मन में है आपको जो खुद लगता है उस पर फोकस करो। जस्ट मैं एग्जांपल देती हूँ, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप 24,000 कमाओगे ना 24,000 पर मंथ तो एक साल में कमाते हो 3 लाख,
तो आपको 3 साल लग जाएंगे 9 लाख कमाने में, या 10 लाख कमाने में माना तो 3 साल लग जाता है, 10 लाख कमाने में आपको 3 साल लग गया। आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट जॉब में 1 साल कमा लो 10 लाख एंड 2 साल आराम से घर बैठ के आराम करो। मतलब ऐसे कोई नहीं सोचता है, ऐसे सोचता है कि नहीं 3 साल कमाना है 24,000 पर मंथ वाले में। तो इसीलिए ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मतलब इतना जेई क्लियर करे हो, इतना अच्छा मार्क्स लाए हो, लेकिन दिमाग नहीं लगाते हो, बस जो सोसाइटी आपसे करवाना चाहता है वही करते रहते हो। आप पपेट हो सोसाइटी के, पपेट मतलब होता है ना कि आप उसकी सारे में नाच रहे हो। तो यही मैं बोल रही हूँ कि आप आज से ही अपना लाइफ में ये 2 चीज चेंज करो। आप अपना सबसे पहले तो आपको इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं रहना है, एंड सेनेस बिल्कुल हटा दो, मतलब अपने माइंड से हटा दो, ये वर्ड आपकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। कभी भी किसी भी चीज में हेजिटेट बिल्कुल मत करो, अनलेस अंटिल कुछ गलत काम ना हो। गलत काम पे हेजिटेट करना सही बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो काम करने के बाद आपका लाइफ इंप्रूव हो सकता है तो उस पर हेजिटेट बिल्कुल मत करो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।